इसका क्या निदान है फिर? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसकी पालना को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय तौर पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 24 घंटे आचार संहिता को लागू किए हो चुके हैं, बावजूद इसके 12 में अभी तक सार्वजनिक स्थानों से जनप्रतिनिधियों राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर नहीं हटाए गए हैं। 12 शहर में आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर को उतराने की जिम्मेदारी नगर निकाय को सौंपी गई है। लेकिन यहां पर खुद नगर निकाय द्वारा संचालित भवनों पर होर्डिंग बैनर लगे हुए देखे जा सकते हैं, जिसको कि नगर परिषद ने 24 घंटे बाद भी नहीं उतराए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र सिंह राव ने शीघ्र प्रभाव से नगर परिषद आयुक्त को शहर में लगे जनप्रतिनिधियों के होर्डिंग बैनर को हटवाने की निर्देश दिए हैं। क्या आप देखेंगे ऊपर है, लगातार रात से ऊपर है। अभी मेरे में अभी देखे 50-55 फोटो मेरे को यहाँ बैठे बैठे आई है। होर्डिंग हटने का काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हट रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि सीओ साहब ने पूरी अपनी टीम लगा रखी, वीडियो पंचायत और शहर के अंदर जो म्यूनिसपैलिटी करवा रही है, म्यूनिसपैलिटी के खुद ऑफिस के सामने कार्यालय के सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। वो अभी नहीं हटे तो अभी हट जाएंगे आधे घंटे, एक घंटे। आज की तारीख में आप देखेंगे शाम को नहीं रहेगा।